हरे कृष्ण, श्रीमद् रामायण की जय। तो हम लोग देख रहे हैं टीचिंग्स फ्रॉम रामायण, रामायण से शिक्षाएं। तो कल तक हमने देखे कि किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र हनुमान जी और सारे वानर सेनाओं को अलग अलग दिशाओं में माता सीता का पता लगाने के लिए भेजते हैं, और हनुमान जी नल नील अंगद जामवन जी ये सब दक्षिण दिशा में जाते हैं, दक्षिण दिशा की ओर, और ये बड़े विशाल समुद्र को देखते हैं लंका के इस पार। तो सब भयभीत होते हैं कि किस प्रकार से इतने विशाल समुद्र को पार किया जाए। तो फिर जामवन जी उनको मंत्रणा देते हैं, बुद्धि देते हैं, बुद्धि देते हैं, और जामवन जी बुद्धि देते हैं प्लस हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति याद दिलाते हैं, है ना। तो जामवन जी एक वरिष्ठ भक्त का कार्य कर रहे हैं, साथ में गुरु की भूमिका भी निभा रहे हैं, है ना, गुरु की भूमिका भी निभा रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ था, एक जंगल था, जंगल में एक शेरनी का बच्चा था, शेरनी का बच्चा, और वो किसी तरह से अपने शेरों के ग्रुप से अलग हो गया। छोटा बच्चा था, अभी जन्म ही हुआ था, तो अपने शेरों के ग्रुप से अलग हो गया वह, और वह आके हिरणों के साथ रहने लगा। जो शेर का बच्चा, अब वो रह रहा है हिरणों के साथ, हिरण का दूध पी के बड़ा हुआ, हिरणों के साथ रहता है, हिरणों के साथ खेलता है हिरण। तो एक बार जंगल में शेर आया हिरण के इलाके में, और सारे हिरण वो डर के भाग गए, और ये थोड़ा जो हिरणों के साथ रहता था तो इसका स्पीड कम हो गया था। शेर वैसे बहुत तेज दौड़ता है, छलांग मारता है, लेकिन हिरण के साथ रहते रहते इसका स्पीड भी हिरण के जैसा हो गया था, स्लो हो गया था, और ये सबसे पीछे रह गया, अकेला रह गया। और जब इसकी माँ आई, इसकी माँ ने इसको पहचान लिया, ये तो मेरा बच्चा है, और ये अपनी माँ से डर के भाग रहा था, अपनी माँ को पहचान तो पा नहीं रहा था क्योंकि बचपन से तो हिरण माँ के साथ रहा है, शेर का बच्चा। तो इसकी माँ जब बच्चे के पास आई तो ये डर गया कि मुझे खा जाएगी, क्योंकि अपने आप को हिरण मानता था, अपने आप, क्योंकि अपने आप को भी देखा तो था नहीं, तो बाकी हिरणों को देखता था वो, अपने आप को कभी देखा था नहीं, तो अपने आप को हिरण मानता था वो, शेर का बच्चा। तो जब शेरनी आई और शेरनी को देख के डरने लगा, उनसे दूर भागने लगा, तो शेरनी को समझ गई कि लगता है ये अपने आप को हिरण समझता है, उनके साथ रहते रहते अपने आप को हिरण मानता है। तो शेरनी, उसने उसको एक थप्पड़ मारा, जोर का तमाचा मारा गाल पे, उसका हाथ खींच के उसको तालाब के पास ले गई। तालाब में ले जाके उसको उसका फेस दिखाया, देख तू तो मेरा बच्चा है, तू क्यों डरता है मेरे से, मैं ही तेरी माँ हूँ, है ना, हाँ हम दोनों शेर है, मैं शेर नहीं हूँ तो मेरा बच्चा शेर है, तू क्यों डरता है मेरे से। तो फिर उसको लगा, अरे हाँ मैं तो हिरण नहीं हूँ, मैं तो शेर हूँ, मैं क्यों डर रहा हूँ। फिर वो अपनी माँ के साथ अपने शेरों के ग्रुप में चला गया, वापस चला गया, है ना। तो हम लोग का भी यही मिस्टेकन होता है, हम लोग की भी यही गलती होती है कि हम लोग ना जब इस मेटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो हम हमारी रियल पहचान भूल जाते हैं। हाँ, रियल पहचान क्या है, हम लोग बहुत शक्तिशाली, एक्चुअली वी आर वेरी पावरफुल, हम लोग शेर के बच्चे हैं, हम लोग शेर के बच्चे, शेर कौन है, भगवान श्री कृष्ण, है ना। लेकिन हम लोग अपनी पहचान गलत करते हैं, हम लोग ये मेटेरियल वर्ल्ड में आके, भौतिक संसार में आके, भौतिक शरीर, अपने आप को भौतिक शरीर समझते हैं, हम लोग सोचते हैं कि वी आर दिस मेटेरियल बॉडी, हम लोग भौतिक शरीर हैं, इसीलिए हम डरते रहते हैं, हम डरते रहते हैं, हमको डर लगा रहता है ना, ओ हम एक दिन ओल्ड हो जाएंगे, ओ हम एक बीमारी हो जाएगी कभी, ओ एक दिन हमें मरना पड़ेगा, है ना। तो हम डरते रहते हैं, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, ये डर हमने हमारी गलत पहचान करके रखी है। तो जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं तो फिर गुरु हमें तालाब के पास लेके जाते हैं, हमारा गुरु हमें आईना दिखाते हैं, तो हमें हमारा रियल इमेज दिखाते हैं कि अरे तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम भगवान कृष्ण के अंश हो, और तुम्हारा कभी विनाश नहीं होने वाला है ना। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन तापो, न शोषयति मारुतः। कि जो आत्मा है, आत्मा शस्त्र से काटी नहीं जा सकती, आत्मा
जल से भिगोई नहीं जा सकती, आत्मा वायु से सुखाई नहीं जा सकती। इस प्रकार से आत्मा अवध है, आत्मा का किसी भी स्थिति में वध नहीं किया जा सकता, आत्मा को आग जला भी नहीं सकती। इस प्रकार से गुरु हमें हमारी पहचान कराते हैं कि तुम अविनाशी हो, तुम भगवान श्री कृष्ण के अंश हो, कृष्ण के दासत्व ग्रहण करो, कृष्ण की सेवा में लगो। तो गुरु हमें याद दिलाते हैं, है ना, याद दिलाते हैं हमारी शक्ति को, याद दिलाते हैं, है ना, हम बहुत शक्तिशाली, हम भगवान श्री कृष्ण के बच्चे हैं, है ना। लेकिन अभी हम लोग माया में फंस गए हैं और हमें जैसे चूहा होता है ना, चूहा घर में परेशान करता है चूहा, तो हम रेड ट्रैप लगाते हैं चूहा को फंसाने के लिए। एक चूहे जो ट्रैप होता है, चूहे का ट्रैप क्या बोलते हैं उसको, चूहे के लिए एक पिंजरा लगाते हैं और उस पिंजरे में एक छोटा सा ब्रेड वगैरह लगा देते हैं और चूहा ब्रेड को खाने के बाद में अंदर तब फंस जाता है, चूहा फंस जाता है ना। तो उसी तरह से हम लोग ये माया के ट्रैप में हम फंसे हुए हैं, है ना। और गुरु आते हैं तो गुरु हमें फिर खोल देते हैं, ट्रैप खोल देते हैं हमारा, हम गुरु फिर हमें बाहर निकाल देते हैं, है ना, माया के ट्रैप से। तो यहाँ पे जो हनुमान जी है, हनुमान जी अपनी शक्ति भूले हुए थे, वो कितने पावरफुल है हनुमान जी, सो पावरफुल, कितने शक्तिशाली है। तो हनुमान जी को उनकी शक्ति जामवंत जी याद दिलाते, हनुमान जी आप साधारण नहीं हो, यू आर नॉट ऑर्डिनरी वानर, आप साधारण बंदर नहीं हो, आप सबसे शक्तिशाली बंदर हो हमारी सेना के, आप जरूर उड़ सकते हो, है ना। तो उनको याद दिलाते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी भूख को मिटाने के लिए, हनुमान जी को भूख लगी थी, वह छोटे बच्चे थे, तो सुबह सुबह माँ, हनुमान जी एक्चुअली पवन पुत्र है ना, जिसके जैसे हम लोग के बॉडी में तीन चीज होता है, हमारा बॉडी वात पित्त कफ इन तीन चीजों से मिलके बना होता है, वात पित्त कफ तीन चीजों से हमारे मिलके हमारी बॉडी बनती है। तो जिसके बॉडी में वायु की अधिकता होती है ना, वायु की अधिकता होती है, उसको भूख बहुत लगती है, बहुत खाता है, वायु की अधिकता वाले लोग बहुत खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं। तो हनुमान जी वायुदेव के पुत्र है इसलिए बहुत खाते थे। ऐसे भीम, वायुदेव के पुत्र है भीम, तो भीम भी बहुत खाते थे, है ना। तो हनुमान जी को भूख लगती थी हनुमान जी। तो फल जो अपने महल में रखा था, एक बार हनुमान जी सारा फल खा गए, बोलते हैं और भूख लग रही है सुबह सुबह। कभी कभी हमको होता है ना, कभी कभी हम रोज सुबह उठते हैं, सुबह सुबह 3-4 बजे नींद खुला, बिल्कुल जोर की भूख लगती है, कभी कभी ऐसा होता है। हनुमान जी को उस दिन बहुत जल्दी भूख लग रहा था, सारा फल खा गए फिर भूख लग रहा है, देख रहे कुछ बचा नहीं है। फिर वो देखते उनका नजर आकाश में पड़ा, तो सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है ना, बहुत सुंदर लाल होता है बिल्कुल, है ना, फल के जैसा लगता है लाल। सुंदर फल को देखा, सुंदर सुगंध, ठंडी हवा चल रही थी सुबह सुबह वाली, और सुंदर आकाश में एक फल खिला था, आकाश फल। हनुमान जी बोले ये तो आकाश फल है, हनुमान जी ना, ये तो आकाश फल है। ऐसे कहके उस आकाश फल को पाने के लिए हनुमान जी उड़ने लगे। हनुमान जी उस फल को पाने के लिए उड़ने लगे, और उड़ते उड़ते बहुत ही तीव्र गति से हनुमान जी सूर्यदेव के पास पहुंचे, और सूर्यदेव को निगल लिया। तो फिर उनको उनकी शक्ति याद दिलाते हैं जी, हनुमान जी आप तो बचपन में इतने शक्तिशाली थे, छोटे बच्चे थे, तब इतना सूर्य तक की दूरी तय कर लिया आपने आसानी से, खेल में, है ना। तो ये तो लंका के पास जाने के लिए समुद्र को पार करना है, आप आसानी से पार कर सकते हैं, है ना, आप जाइए। तो हनुमान जी को शक्ति याद आती है, हनुमान जी फिर लंका में उड़ के प्रवेश करते हैं। रास्ते में दो उनको तीन असुर मिलते हैं, एक तो ऐसा असुर होता है सुरसा असुर होती है, सुरसा एक राक्षसी होती है, वो हनुमान जी का मार्ग रुकती है। उसके बाद दूसरी एक छाया पकड़ने वाला असुर मिलता है, हनुमान जी की छाया पकड़ता है। तीसरी उन लोगों को अवध करके हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा लंका के गेट पे एक लंकिनी नाम की एक आसुरी बैठी होती है, जो लंका की रक्षिका होती है। तो उन तीनों का हनुमान जी वध करते हैं, और फाइनली फिर हनुमान जी सीता मैया का पता लगाने के लिए पूरा लंका में भ्रमण करते हैं, कहाँ है सीता देवी, तो कहीं मिल नहीं पाती सीता देवी। हनुमान जी को लग रहा होगा कि सीता देवी तो उसी महल के अंदर रावण रखा होगा, हनुमान जी पूरा महल ढूंढ रहे हैं, रावण के रूम में भी जाते हैं, कहीं भी उनको मिलता है नहीं
सीता देवी बहुत परेशान होते हैं, तो पूरी लंका में ढूंढते ढूंढते उनको एक महल में राम सुनाई पड़ता है, राम 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 राम। हनुमान जी बड़े खुश होते हैं, अरे वाह, असुरों की नगरी लंका में ही राम 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 का उच्चारण कौन करता है। हनुमान जी जाते हैं तो विभीषण जी होते हैं, विभीषण जी राम 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 उच्चारण कर रहे होते हैं, माला माला पर राम नाम मंत्र का जप कर रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और विभीषण जी के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं। विभीषण जी बताते हैं कि हाँ, इस प्रकार से मेरे भाई रावण ने सीता देवी का हरण कर लिया, उनको अशोक वाटिका में रखा हुआ है, सीता देवी बहुत दुखी है, आप जल्दी से उनको यहाँ से ले जाने का प्रबंध कीजिए। तो फिर अशोक वाटिका का मार्ग बताते हैं, तो हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं और सीता देवी बहुत दुखी होकर बैठी होती है। और सीता देवी, हनुमान जी अपना आकार छोटा करते हैं और छोटे आकार में जाके जिस पेड़ के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे सीता देवी बैठी होती है, उस वृक्ष पे हनुमान जी सीता देवी को पहले तो दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। फिर जब देखते हैं कि आसपास सीता देवी की कोई असुर और नहीं है, तो हनुमान जी सीता देवी के पास जाके उनको बोलते हैं, माता मुझे प्रभु श्री रामचंद्र ने भेजा है। तो सीता देवी को विश्वास नहीं होता स्टार्टिंग में, उनको लगता है कि कहीं यह भरूटिया तो नहीं है, ये भी रावण के द्वारा भेजा गया कोई दूत होगा जो मुझे छलने आया होगा। तो फिर हनुमान जी पहचान के लिए भगवान रामचंद्र की मुद्रिका यानी उनकी अंगूठी दिखाते हैं। तो सीता देवी को विश्वास होता है कि हाँ, ये तो रामचंद्र की अंगूठी है। तो सीता देवी बड़ी प्रसन्न होती है और फिर बोलती हैं कि जल्दी से मेरा संदेश प्रभु श्री राम को भिजवाइए ताकि वो मुझे यहाँ से ले जाए, और मैं बहुत दुखी हूँ यहाँ असुरों के बीच में उनसे दूर रह के। तो इसके बाद फिर हनुमान जी पूरे अशोक वाटिका को ध्वंस कर देते हैं, वह फल खाते हैं वृक्षों से, भूख लगे तो वानर तो है ही, उस फल खाते हैं, फल खाने के बाद सारे वृक्षों को उखाड़ के फेंक देते हैं पूरा। तो फिर हनुमान जी को फाइनली बंदी बना लिया जाता है, वो बंदी बना के रावण प्रस्तुत करते हैं। तो हनुमान जी क्या करते हैं, रावण से ऊंचाई पे बैठते हैं, हनुमान जी का कोई आसन था नहीं, हनुमान जी अपनी पूंछ को बड़ा करते हैं और राउंड 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 करते करते पूंछ को बिल्कुल हाइट पे ले जाते हैं, रावण से ऊंची हाइट पे हनुमान जी अपनी पूंछ के ऊपर बैठ जाते हैं। और फिर रावण रावण ऐसा बोलता है कि इस जो राम का दूत बन के वानर आया है और इसने हमारे पूरे अशोक वाटिका को विध्वंस कर दिया, इसको जान से मार दिया जाए। विभीषण जी समझाते हैं कि नहीं, भैया इनको जान से मत मारो, जान से मारोगे तो आपको शोभा नहीं देता, आप तो इतने बड़े लंकापति रावण हैं और सारे देवी देवता भी आपके अधीन रहते हैं, आप सबसे शक्तिशाली है पूरे पृथ्वी पे, देवताओं से शक्तिशाली है आप, सब आपके आज पर आप पराजित होते हैं, क्या लोग बोलेंगे कि रावण ने एक छोटे से वानर को मरवा दिया है ना, ये आपको शोभा नहीं देता, तो ठीक है आप इसको जान से मत मरवाइए, हाँ कुछ ऐसा कीजिए कि इसका दंड भी मिल जाए और आपकी अपकीर्ति भी ना हो, आपका यश खराब ना हो। तो बोले क्या किया जाए, बोले कि वानरों की ना पूछ पूछ में उनकी बड़ी आसक्ति होती थी, पूछ जला दिया जाए, तो पूछ में उनकी आग लगा दी गई हनुमान जी के, और सोचा कि बहुत पीड़ा होगी हनुमान जी का, तो हनुमान जी को क्या पीड़ा होने वाली है, हनुमान जी तो जिस समय आग लगा गई थी उसमें भी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोल रहे थे, है ना। और उन्हें सोचा कि आग तो लगी ही है, तो क्यों ना इस अपनी जलती हुई पूछ से अपने प्रभु श्री रामचंद्र का कुछ कार्य कर दिया जाए। तो हनुमान जी ने पूरी लंका उड़े पूरी लंकाओं में अग्नि लगा दिया, पूरी लंका सोने की लंका को हनुमान जी ने जला दिया, भस्म कर दिया, है ना, काली काली सोने की लंका काली हो गई, जल गई सारी लंका। दो जगह छोड़ा था हनुमान जी ने, केवल विभीषण का घर जहाँ राम नाम का उच्चारण होता था, और दूसरा सीता माता की अशोक वाटिका, क्योंकि वहां पे सीता देवी रहती और सीता देवी राम नाम का उच्चारण करती थी, है ना। इन दो जगह को छोड़ के पूरी लंका जला दिया हनुमान जी ने, है ना, पूरी लंका जला दिया हनुमान जी ने। तो इससे हम क्या शिक्षा लेते हैं, दो शिक्षा ग्रहण करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे जीवन में कुछ प्रतिकूल परिस्थिति भी आए, कुछ प्रतिकूल परिस्थिति भी आए, जैसे हनुमान जी के जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति क्या थी, उनकी पूंछ में आग लगा दिया गया, ऑब्वियस पीड़ा तो हो रही होगी, किसी की भी पूंछ जलेगी, शरीर का अंग जलेगा तो पीड़ा तो होगी, तो उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी हनुमान जी ने बहुत ही बुद्धिमत्ता से
अपनी सेवकाई धर्म का निर्वाह किया, अपना सेवकाई निभाया। भगवान रामचंद्र वो अपनी सेवा नहीं भूले। हमारी हमारी प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता है ना, तो भगवान को भूल जाते हैं। अरे अब तो हमारा लाइफ सेटल हो गया, भगवान की क्या आवश्यकता है। और जब हमारी लाइफ में बहुत कुछ खराब होता है ना, कुछ बहुत ही बुरा कुछ हो गया, सम बैड इवेंट, बहुत खराब कुछ इवेंट हो गया, तो भी हम भगवान को भूल जाते हैं, तो भी भगवान को भूल जाते हैं। कोई अच्छा होता है तो भी भगवान को भूलते हैं, खराब होता है तो भी भगवान को भूलते हैं। हम भगवान को दोष लगाते हैं, इतना भक्ति करने का क्या फायदा, इतना सारा भक्ति कर रहा हूँ, माला कर रहा हूँ, माला का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, भक्ति कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्या अच्छा किया भगवान कृष्ण ने आज तक हमारे जीवन में, भक्ति में आने के बाद भी क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ है ना, क्या 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 माला का फल मिला मुझे, इतना सेवा करने का क्या फल मिला। ऐसे करके ना मेरा तो भगवान से विश्वास ही उठ गया। अब तो भगवान, अब तो माला करने का मन ही नहीं करता है, भक्ति करने का मन ही नहीं करता है, क्या फायदा मिल रहा है मुझे भक्ति करने का। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, ऐसे ऐसे लोग बोलने लगते हैं है ना, और उनका विश्वास डगमगा जाता। थोड़ी सी संकट आई जीवन में है ना, और पूरा अपने अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम का रीजन ना भगवान को लोग बोलते हैं। भगवान ने कुछ अच्छा नहीं करे मेरे जीवन में, भगवान को दिखाई नहीं देता कि हम इतने प्रॉब्लम में हैं, भक्ति करने का फायदा मिल रहा है, ऐसे सारा ब्लेम कृष्ण के ऊपर डाल देते हैं। अरे भैया कृष्ण आपके दुश्मन थोड़ी हैं, उनको आपसे कोई पर्सनली कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, निजी कोई शत्रुता थोड़ी है कि वो दुश्मनी निभाने के लिए आपके जीवन में कुछ बुरा करने वाले हैं। आपके जीवन में कुछ भी बुरा होता है तो उसके जिम्मेदार आप हैं, भगवान नहीं है। आपके जीवन में कुछ बुरा हो रहा है तो आपके इस जन्म के अथवा पिछले जन्म में कुछ ऐसे बुरे कर्म होंगे जिसका परिणाम, जिसका फल आपको भुगतना पड़ रहा है अभी, है ना, अभी भुगतना पड़ रहा है। कई कई लोग कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, हम तो भक्ति कर रहे हैं, इतना माला भी कर रहे हैं, इतनी सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में इतनी प्रॉब्लम है। सामने वाला वो भक्ति भी नहीं करता, माला भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, वो तो बिल्कुल आनंद में जी रहा है ना, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपेयर करते हैं, अरे भैया सामने वाला व्यक्ति इसके जीवन में सब खुशहाली है, अच्छा चल रहा है उसका जीवन, तो 100% उस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्मों में अच्छा कर्म किया होगा। लोग बोलते हैं तू तो बुरा काम भी करता है, बुरा काम करता है फिर भी खुश रहता है। अरे क्योंकि वो पिछले जन्म में अच्छा काम किया था इसलिए अभी उसको अच्छा मिल रहा है, इस जन्म में खराब काम कर रहा है अभी अगले जन्म उसका खराब हो जाएगा। आपने खराब काम किया है और इसलिए आप पिछले जन्म में खराब काम किया था इसलिए इस जन्म में आपको खराब मिल रहा है सब कुछ, है ना। आप अभी अच्छा करो तो अगले जन्म आपको अच्छा हो जाएगा, है ना। लोग कंपेयर करते हैं, उसका दोष भगवान पे डालते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान हमारे शत्रु नहीं है, कृष्णा इज नॉट आवर एनिमी, कृष्ण हमारे दुश्मन नहीं है, कृष्ण हमारे वेल विशर है, कृष्ण हमारे साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं करते, ये हमें विश्वास होना चाहिए, है ना, ये हमें विश्वास होना चाहिए। जो भी हमारे जीवन में बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद है, हम खुद हैं। हाँ भक्ति में आने के बाद हमें भगवान से बोलना चाहिए कि ओ कृष्ण मैं बहुत, मेरे से बहुत बुरे कार्य हुए हैं जाने अनजाने में पिछले जन्मों इस जन्मों में, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, अब मुझे दुख है और अब मैं उसके लिए पश्चाताप करता हूँ, आगे से मैं कोई बुरा कार्य नहीं करूँगा और मैं सच में आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, तो आपकी भक्ति में अच्छे से कर पाऊँ उसके लिए मुझे अनुकूल परिस्थिति प्रदान कीजिए, है ना, मैं आपकी भक्ति अच्छे से कर पाऊँ, वैसी मेरे जीवन में व्यवस्था कर दीजिए भगवान, मैं सच में आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ, है ना। ऐसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, न कि ऐसा कि हमारे जीवन में कुछ प्रतिकूल हो जाए, कुछ एडवर्स हो जाए तो उसका सारा दोष भगवान में मर दे। इट्स नॉट राइट मूड ऑफ डिवोटी, भक्त का ऐसा मूड नहीं होना चाहिए, भक्त कभी भी ऐसा नहीं करता। भक्त क्या मूड होता है, भक्त के जीवन में कुछ भी अच्छा होता है तो भक्त सारे अच्छे का क्रेडिट भगवान को देता है, मैं तो मेरा कोई यश नहीं है, ये सब कुछ जो भी मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है भगवान की कृपा है। भक्ति जीवन में कुछ बुरा भी होता है ना तो बोलता है नहीं मेरे जीवन तो और बुरा होने वाला था, भगवान ने कृपा करके बहुत कम में, मन कम में दे दिया, बहुत कम में, पहाड़ गिरने वाला, दुखों का पहाड़ गिरने वाला था मेरे ऊपर, भगवान ने केवल संकट ही मेरे ऊपर डाला, सारा पहाड़ तो उन्होंने रोक लिया। तो भक्त का ऐसा एटीट्यूड होता है, ऑलवेज ग्रेटिट्यूड में रहता है, कृतज्ञता में रहता है, भगवान को धन्यवाद देता है और किसी भी स्थिति में भगवान की सेवा नहीं छोड़ता। प्रतिकूल परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, कुछ भी हो जाए भगवान को दोष नहीं लगाएगा, भगवान की सेवा नहीं छोड़ेगा। तो हनुमान जी बेस्ट एग्जांपल, हनुमान जी की पूंछ जल रही है, बहुत दर्द हो रहा होगा, लेकिन हनुमान जी ने प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा नहीं छोड़ा, उन्होंने तुरंत प्रतिकूल बुद्धि लगाया,
भक्त मतलब हमेशा एक्टिव रहेगा, क्या करूं कि मेरे प्रभु की सेवा कर दूं। तो उन्होंने सोचा कि ये भगवान आए ही इसीलिए हैं, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, दुष्ट का विनाश करने के लिए तो मैं लंका आया ही हूँ। मेरी पूज भी रावण ने जला ही दी है, चलो जलती हुई पूज से प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा कर दूं तो असुरों का विनाश हो जाए, असुरों का कंफर्ट जो उनका घर इसमें रहते हैं वो कितने सारे असुरों को हनुमान जी जला के मार दिए है ना, रामचंद्र का आसान कर दिया उन्होंने है ना। उसके बाद फिर सीता देवी से मिल के उनका आशीर्वाद लेके हनुमान जी वापस प्रभु श्री रामचंद्र के पास आते हैं और उनको न्यू सीता देवी अपने सिर के ऊपर जो पहनती हैं चूड़ामणि वो उनको दिया कि आप प्रभु राम को दिखाना कि श्री राम जी को आश्वासन मिलेगा, वो अश्योर होंगे कि आप मेरे से मिल लिए हो। सीता देवी हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अजबर दीन जानकी माता, कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के देने वाले हो जाए है ना। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नौ निधियां विराजमान है, सीता जी को आशीर्वाद दिया है ना। तो इस प्रकार से रामचंद्र के पास हनुमान जी वापस जाते हैं और रामचंद्र बहुत खुश होते हैं इन्हीं स्टा के कि हनुमान जी को फाइनली सीता देवी का पता लग गया। और तुम मम प्रिय भरत ही संभाई अस कही श्रीपति कंठ लगाई, तो हनुमान जी को खूब अगाढ़ आलिंगन किया, हॉट मतलब टाइट हग अच्छे से रामचंद्र भगवान ने आलिंगन गले लगाया और खूब प्रसन्न हुए, बोले कि तुम तो मेरे भरत के समान प्रिय भाई हो है ना। ऐसे करके सीता माता के पति श्रीपति रामचंद्र ने हनुमान जी को गले लगाते हैं और बहुत खुश होते हैं। अब प्लानिंग करते हैं सारे वानर सेना लोग, चलो लंका की तरफ हम चलते हैं है ना, लंका पे। तो सब हनुमान जी रामचंद्र लक्ष्मण जी और सुग्रीव सुग्रीव पे सारी सेना नल नील अंगद सब लोग सारे वानर सब जाते हैं है ना। आप सारी वानर सेना को कैसे क्रॉस कराए, हनुमान जी तो अकेले थे शक्तिशाली थे, उड़ गए हवाई हवाई मार्ग से उड़ गए, अब इतनी बड़ी सेना को कैसे क्रॉस कराया जाए। देन अभी ये समुद्र समुद्र के सेतु बनाने का कार्य भी विचार करने लगे। तो सबसे पहले तो रामचंद्र जी ने प्रार्थना किया समुद्र से, समुद्र देव से, यह समुद्र देखिए हम ना आपके ऊपर वो फूल बांधेंगे तो आप हमें मार्ग प्रदान कीजिएगा। तो समुद्र ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर राम जी ने विनम्रतापूर्वक प्रार्थना किया कि हम आपके ऊपर एक पुल बांधना चाहते हैं, आप हमें मार्ग दीजिएगा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है ना। एक्चुअली जितने भी प्रकृति है ना, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं मैया दक्षिणा प्रकृति सूयते सचराचरम, जितने भी नेचर है ना, सूर्य चंद्र वायु आकाश जल पृथ्वी अग्नि, वो सब भगवान कृष्ण के अध्यक्षता में भगवान कृष्ण के सुपरविजन में कार्य करते हैं। जैसा कृष्ण ऑर्डर देते हैं वैसे अकॉर्डिंग वो सारे कार्य, कृष्ण के डर से सूर्य और समय से उगता है, समय से अस्त होता है, कृष्ण के डर से वायु चलायमान होती है, कृष्ण के डर से पानी बहता है, कृष्ण के डर से सारे ग्रह नक्षत्र सारे ब्रह्मांड घूमते रहते हैं है ना। सब कुछ कृष्ण के आज्ञा से होता है। तो यहाँ पे भगवान विनम्रता दिखा रहे, रामचंद्र आज्ञा नहीं दे रहे हैं, तो भगवान स्वामी हैं संपूर्ण चराचर जगत के, आज्ञा नहीं दे रहे हैं, भगवान रिक्वेस्ट कर रहे हैं समुद्र देव आप रास्ता प्रदान कीजिएगा। तो समुद्र तो रिस्पॉन्स दिए नहीं थोड़ा, तो फिर हम रामचंद्र को गुस्सा आया और रामचंद्र भगवान ने फिर अपना शक्ति का प्रयोग किया, धनुष बाण लिया, बोला कि अगर आप रास्ता नहीं देते हो ना आपको अपनी एक बाण से आपका सारा जल सुखा दूंगा है ना। तो समुद्र डर गया और फिर आके माफी मांगता है भगवान रामचंद्र से, समुद्र देव माफी मांगते हैं और फिर बोलते हैं आप पुल बनाइए और हम आपको रास्ता देंगे। तो इस प्रकार से नल नील दो वानर थे उनको ऐसा आशीर्वाद प्राप्त था, आशीर्वाद प्राप्त था कि वो जो पत्थर डालेंगे ना वो डूबने वाला नहीं है, उनको आशीर्वाद प्राप्त था इस प्रकार का। तो फिर सारे पत्थरों पे सारे वानर लोग राम 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 लिखने लगे और नल नील उस पत्थर को फेंकने लगे फेंकने लगे फेंकने लगे। इस प्रकार से पुल धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ने लगा, पुल बनने लगा। तो उसमें सारे वानर पत्थर फेंक रहे थे, बड़े बड़े चट्टान है ना, राम लिख के फेंक रहे थे, कुछ वानर नाम लिख रहे थे कुछ वानर फेंक रहे थे। हनुमान जी बड़े शक्तिशाली थे तो बड़े बड़े चट्टान फेंक रहे थे पानी के अंदर है ना। तो हनुमान जी के रास्ते में एक छोटी सी गिलहरी आ रही थी बार बार,
वो भी गिलहरी गिलहरी रास्ते में बार बार आ रही थी। हनुमान जी बोले गिलहरी साइड हो जा, गिलहरी साइड हो जा से बोल रहे थे। तो रामचंद्र ने देखा, हनुमान जी ने गिलहरी को जोर से डांटा कि तेरे को समझ भी नहीं आता है क्या, तुझे इतना मैं बोल रहा हूँ तो मर जाएगी दब जाएगी, तो रास्ते हट जा हमारे, डिस्टर्ब कर रही है। गिलहरी क्या कर रही थी, गिलहरी छोटी सी थी तो अपने बॉडी के शरीर के बालों पे, गिलहरी के छोटे छोटे बाल होते हैं, बालों पे धूल लपेट लिपट के जाती और समुद्र पे जाके झाड़ देती। तो गिलहरी भगवान की सेवा कर रही थी, वो सोच रही थी कि चलो मैं भी कुछ कंट्रीब्यूशन करती हूँ राम जी को समुद्र में पुल बनाने में। तो हनुमान जोर से डांटा, गिलहरी डर गई। तो राम जी देख रहे थे बैठ के, हनुमान जी को बुलाया, हनुमान इधर आइए आप। बोले हाँ प्रभु, बोलिए। बोले आपने डांटा क्यों उसको, है ना, आप बड़े हो, बड़े शक्तिशाली हो, आपके पास ज्यादा सामर्थ्य है, बड़े सामर्थ्य से आप बड़ी सेवा कर रहे हो, है ना, वो गिलहरी है, वो गिलहरी के पास छोटा सामर्थ्य है तो वो छोटी सेवा कर रही है, लेकिन जितना मैं आपकी बड़ी सेवा से प्रसन्न हूँ उसके उतना ही मैं उसकी छोटी सेवा से प्रसन्न हूँ, क्योंकि आप अपना 100% बेस्ट एफर्ट दे रहे हो और छोटी गिलहरी भी 100% बेस्ट एफर्ट दे रही है, तो आप वो डांट नहीं सकते, गलत किया आपने, मैं बहुत दुखी हूँ आपसे। तो हनुमान जी बहुत लज्जित होते हैं। तो फिर लक्ष्मण जी को राम जी बोलते हैं गिलहरी को लेके आइए। तो लक्ष्मण जी गिलहरी को लाते हैं, आराम से मोहन उसको अपने हाथों में लेते हैं और उसको प्यार से सहलाते हैं। तो रामचंद्र भगवान की उंगली की रेखाएं गिलहरी के पीठ पे बन जाती है। तो अभी देखते हैं गिलहरी जो होती है ना स्पिरल, तो उसके पीठ पे तीन रेखाएं बनी होती है और रामचंद्र भगवान के उंगलियों के निशान है अभी सारे गिलहरी के वंशज जो में आज तक पाए जाते हैं वो, है ना। तो फिर हनुमान जी गिलहरी को फिर सॉरी बोलते हैं। इस प्रकार से इस समय ये शिक्षा लेते हैं कि कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य, कोई भी भगवान की सेवा कर सकता है, है ना। हमारे पास बहुत बड़ा एफर्ट, बहुत बड़ा हमारा कैपेसिटी है, हमारी बड़ी कैपेसिटी से सेवा करना चाहिए। हमारे पास छोटी कैपेसिटी है तो छोटी कैपेसिटी से सेवा करनी चाहिए। जो भी हमारी क्षमता है, हमारी पूरी क्षमता से भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान हमारी एफर्ट देखते हैं, हमने हमारी जितनी हमारी क्षमता थी, जितनी हमारी कैपेसिटी थी, क्या हमने उसका भगवान की सेवा में 100% एफर्ट दिया कि नहीं दिया। अगर हम देते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। जैसे छोटी गिलहरी की सेवा से खुश होके भगवान रामचंद्र ने उसका आशीर्वाद दिया, उसको स्वीकार किया, उसको प्रेम दिया आपने, है ना। तो सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, सेवा सेवा होती है, है ना। हमें हमारी क्षमता के अनुसार 100% एफर्ट देना चाहिए, इससे भगवान की पूरी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।